चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है वाईफाई स्टडियो में। मैं आपका मेंटोर सुभेंद्र तिवारी। कल हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज हम उसको कंप्लीट करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन रह गए थे उसको। ये मेरी नया स्ट्रेटेजी है मेरे द्वारा बनाई है। आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम। नए स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग क्रैक करेंगे। 1 महीना हम लोग के पास बचा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे टेम्परेरी हूँ, यहाँ पे 1 या 2 क्लास ही ले सकता हूँ मैं। तो मेरी जो क्लासेस होती हैं वो वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस चैनल में है। आप उस इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पे मैं सुबह 8 o'clock करंट अफेयर्स लेता हूँ, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे मेरा करंट अफेयर्स रहता है। 9:30 हम इस पे जो हमारा स्पेशल क्लास है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम को देखते हैं। पूरा कंप्लीटली गवर्नमेंट स्कीम पे पूरा एनालिसिस देखा जाता है। 5 o'clock अगेन मैं वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस चैनल में पॉलिटी पढ़ाता हूँ, तो आप वहां से जरूर देखिएगा ये। और रात के 9 बजे स्पेशल क्लास पे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये एमसीक्यू तभी हो पाएंगे अगर आपने 8 o'clock की लेक्चर अटेंड किया है, 9:30 वाला लेक्चर अटेंड किया है, या 5 वाला अटेंड किया है, क्योंकि इन तीनों का मिल के हम लोग एमसीक्यू यहाँ पे मैं सॉल्व कराता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पे, यूट्यूब पे लिए और अनअकैडमी पे हम लोग की स्पेशल क्लास के लिए। जो लोग यहाँ पे नए आए हुए हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने इसी के बारे में बात किया हुआ था, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अब चलिए, थोड़ा देख रहा था कि कनेक्ट हुआ है या नहीं। अब जो लोग आ गए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये मेरा शेड्यूल है, मैं यहाँ पे क्लास नहीं लेता हूँ। मेरी क्लासेस होती हैं वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे भी बहुत कम सब्सक्राइबर है, 162 समथिंग। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। हेलो एवरीवन, हेलो अंजलि, हेलो प्रिया, हेलो वर्षा। चलिए मूव ऑन करते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। ये मेरी अनअकैडमी की लिंक है। यहाँ से नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ऑफ। जो मेरे लेक्चर्स होंगे उनके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कल मैं 9:30, मैंने ऑलरेडी दो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री सॉरी गवर्नमेंट स्ट्रीम जो दो मिनिस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर और फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये दो मिनिस्ट्रीज का मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम कंप्लीट करा दिया है। कल हम लोग आयुष मिनिस्ट्री और दो छोटी मिनिस्ट्री हैं उनका कवर करने जा रहे हैं 9:30 AM पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वहाँ पे आइएगा, देखिएगा आपको अच्छा लगे। एंड फिर परसों 9:30 पे 15 सितंबर अगेन हम लोग एक और मिनिस्ट्रीज की स्कीम को कवर करेंगे। हेलो शीला, हेलो यशवंत, हेलो आदित्य। चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने कल मेरी कल वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप एक बार वहां पे उसको भी देखिए। अगर अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में भी शेयर करिए और मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल पे। मूव ऑन करते हैं। आज का हमारा मेरा अगर आप यहाँ पे टाइम पूछ रहे हैं तो यहाँ पे सैटरडे एंड संडे में आता हूँ 10 o'clock। और अगर आप मेरा नॉर्मली टाइम देखेंगे तो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ये देखिए वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस चैनल, यहाँ पे मेरी क्लासेस लगती है 8 o'clock। 9:30 यहाँ पे होगी और 5 o'clock अगेन इंडियन पॉलिटी। कल हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर। तो वहां पे आइएगा,
गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एलेक्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा है। कंसीडर करना है, दो पॉइंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं विद रेफरेंस टू दी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट। जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट आई है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रैक्टिस सेट कब करा रहा हूं, अब ये क्वेश्चन सी है, यहीं से आप समझ लीजिए प्रैक्टिस टेस्ट है। आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, आप एक बार आइए तो उस चैनल पे, अलग चैनल हमारा वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस चैनल, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसको पिन करवा दिया है उस चैनल को, आप फॉलो कर सकते हैं उसको। चलिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। जल्द से जल्द स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 की आई, आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया, जो स्वच्छ सर्वेक्षण कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा निकाला जाता है। इसका भी 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसमें से ये बोला गया है कि जो ओवरऑल रैंकिंग जो रही है, ओवरऑल रैंकिंग अगर रैंकिंग की बात करें तो उसमें हमारा इंदौर ने टॉप किया है। ओवरऑल रैंकिंग में इंदौर है, और लेस देन हंड्रेड हम लोग बात करते हैं 100 अर्बन लोकल बॉडीज की, तो वहां पे झारखंड ने टॉप किया है, कौन सा राज्य है। और मोर देन 100 की बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडी, तो हमारा छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है। और अगर मेगा क्लीनेस्ट मेगा सिटी की बात होती है तो अहमदाबाद टॉप है। आंसर पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। इंदौर है, ओवरऑल रैंकिंग में इंदौर है, लेकिन अगर मेगा सिटी की बात किया जाए तो उसमें अहमदाबाद इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी देखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस मिनिस्ट्रीज के द्वारा निकाला जाता है और उसकी क्या क्या रैंकिंग है, थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने देख ही लिया है यहाँ से, और दो तीन पॉइंट ये हो गए, इतने से ज्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर, इनमें से कौन से देश हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं ब्लैक सी के साथ। ये लिंक कमेंट में कल ट्राई कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था लिंक, मैं यहां पे मैसेज कर देता हूं आपको। चलिए आंसर देखते हैं, इसका आंसर हमारा क्या होगा, टर्की रशिया एंड बल्गेरिया। हमारा 1, 2 एंड 5 जो ये तीन राज्य हैं ये बॉर्डर शेयर करते हैं ब्लैक सी के साथ। और इजिप्ट और सूडान की बात करते हैं, बात करें तो ये बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, रेड सी के साथ। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था इसलिए हम लोगों ने उसको आते ही रहते हैं एग्जाम में इस चीज का। अगला हमारा ये उसके बारे में दिया है मैप पे, मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ था, ये मेरी ही पीडीएफ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है क्योंकि वो पीपीटी डिलीट हो गई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, आपको कंसीडर करना है ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैक्सीन पोर्टल। वैक्सीन पोर्टल न्यूज में रहा हुआ था, हमारी वैक्सीन पोर्टल के रिगार्डिंग आपको ये स्टेटमेंट को देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इट विल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वैक्सीन डेवलपमेंट इंडिया। इंडिया में जितनी भी वैक्सीन डेवलपमेंट होती है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, जो आईसीएमआर वैक्सीन पोर्टल है ये पब्लिक किया जाएगा बाई द नेक्स्ट मंथ,
इसको डेवलप किया गया है बायोटेक के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द आईसीएमआर। तो आपको आंसर बताना है इसमें से आंसर कौन सा रहेगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने ग्रुप में इसको भेज दीजिए, लिंक के पिंड किया ओ चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद में न्यूज भी रही होगी, वो न्यूज भी देखेंगे। इसको डेवलप किया गया है आईसीएमआर के द्वारा, यहाँ पे कहीं भी बायोटेक का नाम नहीं दिया गया, बायोटेक का नाम नहीं है, खुद ही आईसीएमआर ने इसको डेवलप किया है। ये जो आईसीएमआर वैक्सीन पोर्टल, इसको पब्लिक कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीक की बात किया गया था, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ नहीं है। इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, जितनी भी हमारे देश में वैक्सीन डेवलपमेंट हो रहे हैं। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। आंसर पूछा गया था हमारा क्या इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट की बात करें तो ये वाला इनकरेक्ट हमारा, ये इनकरेक्ट 2 और 3 आंसर इज बी। थोड़ा देखते हैं इसकी न्यूज क्या रही है। इंडिया टू हैव इट्स डेडिकेटेड, इंडिया की क्या करेगा, एक डेडिकेटेड वैक्सीन पोर्टल होगा जल्द से जल्द। ऐसा जो हमारी मेडिकल बॉडी है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने कहा है इन अ फर्स्ट इन इंडिया द कंट्री टॉप मेडिकल रिसर्च, इंडिया की जो टॉप मेडिकल रिसर्च बॉडी है वो वर्क कर रही है और क्रिएट करेगी एक वैक्सीन पोर्टल, जो क्या होगा, रिपोजिटरी होगा, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी जो भी वैक्सीन इंडिया में डेवलप्ड हो रही है। चलिए आपको आंसर, जितनी भी और आईसीएमआर वैक्सीन पोर्टल, इसको पब्लिक किया जाएगा अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक। पहले स्टेज में इसको ये बोला गया है कि हम लोग आईसीएमआर जो वैक्सीन की पोर्टल, वहां पे सिर्फ और सिर्फ COVID-19 की वैक्सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में इस वेब पोर्टल को स्ट्रेंथन किया जाएगा और इसमें सारी की सारी जितनी भी वैक्सीन डेवलप हो रही है जो प्रिवेंट करती है वेरियस डिसीज से, उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी डाल दी जाएगी। और पीपल गेट कैन गेट ऑल दी अपडेट ऑन दी वैक्सीन इन इंडिया अंडर वन रूफ, एक ही जगह उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी वैक्सीन डेवलप हो रही है हमारे इंडिया में, ऐसा कहा गया है हमारे जो डीजी के द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल के द्वारा। एंड जो साइंटिस्ट हैं, एडेड दैट आईसीएमआर वैक्सीन पोर्टल, इसको पब्लिक किया जाए नेक्स्ट वीक। जो वैक्सीन पोर्टल है ये फेच करेगा इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू COVID-19 वैक्सीन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कौन से राज्य ने, किस राज्य ने एक नदी पर देश के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किया है। किस राज्य ने किया हुआ है कि जो हमारा कंट्रीज का लॉन्गेस्ट रोपवे बनेगा ओवर अ रिवर, रिवर ब्रह्मपुत्र की बात की गई है। इसके हम लोग आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। आंसर हमारा है असम, असम इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी इसके बारे में न्यूज देख लेते हैं। कंट्री का लॉन्गेस्ट रोपवे ओवर रिवर इनॉग्रेट किया गया है गुवाहाटी में, असम गवर्नमेंट ने, ये पुरानी न्यूज थी, मैंने उसी से उठा के देखा हुआ, जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम शायद ट्यूसडे या वेंसडे था, इसलिए उस तो मंडे लिखा हुआ। तो 1.8 लॉन्ग रोप वे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहां पे, क्योंकि मैं कल से मंडे टू सैटरडे वहीं पे मैं लेता हूँ, और शायद ही है नेक्स्ट संडे मुझे यहाँ पे मिले या यहाँ पे मैं आऊं। तो आप सभी लोगों से वहां रिक्वेस्ट है, उस पर आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को। ये 1.8 लॉन्ग रोपवे है, किस रिवर पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, इंपॉर्टेंट हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है किस रिवर पे है और किस राज्य सरकार ने दिया है। अगर इसकी बात किया है तो हम लोग 56 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए हैं,
इट कंप्राइजेस टू कैबिन, दो कैबिन होंगी ईच विद कैपेसिटी ऑफ 30 पैसेंजर एंड वन ऑपरेटर। एक हर एक कैबिन में 30 पैसेंजर की कैपेसिटी रहेगी और एक ऑपरेटर रहेगा। और इसमें इट टेक्स 8 मिनट टू ट्रांसफर द, मतलब 8 मिनट लगेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब ये याद रखना इसमें कहाँ से क्या कनेक्ट किया गया है। ये रोप वे कनेक्ट करता है जो हमारा कचरी घाट गुवाहाटी एंड द डोल गोविंदा टेम्पल इन नॉर्थ गुवाहाटी के। ये कहाँ से पास होगा, ये उमानंदा टेम्पल है ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ये सारे के सारे पॉइंट आप इंपॉर्टेंट वहां पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, आपको कंसीडर करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन स्टेट वन स्पोर्ट पॉलिसीज। ये स्ट्रेंथनिंग करेगा, सॉरी इट स्ट्रेंथनिंग द ग्रास रूट लेवल इज स्ट्रेंथनिंग द ग्रास रूट लेवल इज क्रूशियल टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ मेक इन इंडिया एज वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज इन द ओलंपिक्स पोडियम 2032। 2032 तक इंडिया को टॉप 10 में लाना, यही इनका एक ड्रीम है ओलंपिक्स में। और सेकंड क्या है स्टेटमेंट हमारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार, और भारत सरकार और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किए हैं सारे के सारे स्पोर्ट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना क्या है। दीज आर द ऑप्शंस, चलिए आंसर देखते हैं। अगर बात किया है 2032 नहीं है, ये है 2028, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूज अभी देखते हैं थोड़ी देर में। और सारे के सारे स्पोर्ट्स तो पॉसिबल नहीं है, उन्होंने कितने स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया है, 14 स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया है। आंसर पूछा गया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में जाना था, ये पता था कि ये वाला आएगा भी, लेकिन दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं और क्या है, वन स्टेट वन स्पोर्ट पॉलिसीज के बारे में अगर बात किया जाए, ये पहला स्टेटमेंट वही है कि हम लोगों को जो ओलंपिक्स पोडियम 2028 में होने वाला है उसमें हम लोग को टॉप 10 में आना है, तो अभी से हम लोगों को प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके लिए क्या किया है कि 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि स्काउट एंड ट्रेन बेस्ट पोटेंशियल, जो स्काउट करेंगे और ट्रेन करेंगे जितने भी बेस्ट पोटेंशियल टैलेंट है हमारे देश के 14 ओलंपिक डिसाइपल्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किए हैं 14 स्पोर्ट डिसाइपल्स टू डेवलप एज मेडल प्रोस्पेक्ट, जो हम लोग को मेडल्स दिला सकते हैं फॉर 2024 और 2028 ओलंपिक्स के लिए। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वन स्टेट वन नेम वन गेम इनिशिएटिव, किसके कंसल्टेशन, विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ये क्यों किया, इट इज टू मेक वन स्टेट प्रोफिशिएंट इन सिंगल स्पोर्ट्स इन विच द प्रोसेस अ स्पेशल एटीट्यूड टू विन अ मेडल्स इन द ओलंपिक्स। आप अपने ये अपने ग्रुप में शेयर करिएगा इस वीडियो को। देखिए आंसर मैं अभी देखता हूँ, कल भी वही हुआ था, आज भी कुछ लोग हैं जो आंसर को डिलीट कर देते हैं। देखिए आंसर डिलीट करने से कुछ नहीं, आपका आंसर अगर गलत है तो आपको प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि आंसर आपका सही होता है तो आप उसको देखते हैं, रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं हम लोग देख लेते हैं क्या बात है मेरा आंसर गलत क्यों है। और आंसर आपका सही हो गया अगर आंसर आपका सही हो गया तो क्या होगा, आप चले जाते हैं उस चीज को छोड़ दे। आपके सामने अगला क्वेश्चन यही है, प्रधानमंत्री मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ विच टू स्कीम, कौन सी दो स्कीम को लॉन्च करने की बात की गई थी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज। अभी जो ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे स्पीच, जो अभी 15 अगस्त 2020 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच हुई थी, वहां पे दो स्कीम्स की बात की गई थी। तो
थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारी बात है, प्रोजेक्ट टाइगर में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला, और टाइम से पहले जो डेडलाइन थी, उससे पहले ही हम लोगों ने वो अचीव कर लिया, जो टारगेट्स थे। तो इस समय तो उन्होंने ये बोला कि प्रोजेक्ट लाइन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को, प्रोजेक्ट लाइन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात की गई। ए नहीं है आंसर, हमारा है आंसर सी, प्रोजेक्ट लाइन प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अगर आप उनकी एक बार स्पीच देखेंगे, अगर स्पीच नहीं देखना तो एक काम करेगा, वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस चैनल में जाइएगा और इम्पोर्टेंट से पॉइंट फॉर प्रीलिम्स वो वाला वीडियो डला हुआ है मेरा, उसमें मैंने सारा पूरा डिटेल में बताया गया, जो उन्होंने एक एक चीज बात की गई थी, तो वहां पे प्रोजेक्ट लाइन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का है, कंसीडर द फॉलोइंग, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करो कि चीज से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF स्कीम, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है इंटरेस्ट सबवेंशन और सब्सिडीज ऑन लोन, लोन के ऊपर गिविंग टू डेयरी सेक्टर फ्रॉम 2% टू 3.5%। दूसरा हम लोगों का पॉइंट क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत जो भी फंड होगा वो सेटअप किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा। और थर्ड अगर हम लोग पॉइंट देखें तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। एंड थर्ड, द फंडिंग पीरियड ऑफ द स्कीम इज रिवाइज अर्लियर 2017-18 टू 2019-20, नाउ 18-19 से 22-23 है। इसमें से चलिए आंसर जल्द से जल्द दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, आंसर हम लोगों का है, पूछा क्या गया था इनकरेक्ट, हेलो सोविक, इनकरेक्ट कोड पूछे गए हैं, कौन से कोड्स वो इनकरेक्ट हैं। अगर बात करें जो पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट ने 2% से लेके 2.5% की बात की गई है, यहाँ 3.5 नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इस स्कीम के अंतर्गत एक फंड सेटअप किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा। और थर्ड जो स्कीम है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, है जो कि लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा। हमारा पहला और तीसरा वाला गलत है, हेंस आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा इसके बारे में DIDF के बारे में देख लेते हैं क्या है। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम DIDF स्कीम है क्या, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करिएगा जल्द से जल्द अपने ग्रुप में। अच्छा ये बताएं कल कौन आएगा मुझे देखने के लिए, मतलब मेरे लेक्चर्स को देखने के लिए। कल 8 o'clock मैं सबसे उम्मीद करता हूं आप लोग करंट अफेयर्स देखने के लिए आएंगे जरूर। DIDF स्कीम के बारे में ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि ये क्रिएट करेगा जितने भी एडिशनल मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इन्वेस्ट करना हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइज करने में और एफिशिएंसी लाने में, किसमें, डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट एंड मशीनरीज। अगर बेनिफिशरीज की बात करें तो इसमें 95 लाख जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनको बेनिफिट करेगा, जो कवर करेंगे 50,000 विलेजेस। अच्छा जी चलिए देवेंद्र जी आपसे कल मिलते हैं फिर। चलिए थैंक यू शिवम जी, हरिश्चंद्र, सॉरी हरीश कुमार, आई एम रियली सॉरी। और ये क्या करेगा, एंड वो वॉरओवर्स जैसे कि हमारा मिल्क यूनियन है, स्टेट डेयरी फेडरेशन, मिल्क कॉपरेटिव, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, इन सब ये सारे इसकी बेनिफिशरीज हैं। सेलियंट फीचर्स स्कीम के बारे में देख लेते हैं, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा। इस स्कीम के अंदर जो भी फंड है नाबार्ड के द्वारा सेटअप किया जाएगा।
एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट विल बी द जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे वो गारंटर होंगे ऑफ लोन रिपेमेंट के। और अगर रिसेंटली बात करें, गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है इंटरेस्ट सबवेंशन और सब्सिडीज कितना 2.5%। क्या हुआ सौविक, आप जा रहे हैं छोड़ के। जो फंडिंग ऑफ द स्कीम, इसको रिवाइज किया गया वही जो पीरियड हम लोगों ने वहां पे लिखा हुआ है वहां पे ही। चले मैं तो एकदम फिट हूं, आप बताओ आप लोग कैसे हैं? क्यों वीडियो क्वेश्चंस अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर कोई और बात है? मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वनिधि मोबाइल ऐप। स्वनिधि मोबाइल ऐप के बारे में है। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, दिस एच ऐप इज लॉन्च फॉर द स्ट्रीट वेंडर। ये जो ऐप है वो स्ट्रीट वेंडर के लिए लॉन्च किया गया है और इट इज द स्टेप टुवार्ड बूस्टिंग द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये एक स्टेप्स है जो हम लोग बूस्ट कर सकते हैं यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में। ये आपके सामने ऑप्शन रहे हैं। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप, उम्मीद है कि आप लोगों से कल जरूर मिलूंगा सुबह 8 बजे हमारे वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस चैनल में। थैंक यू कोमल जी। चलिए आंसर करिए इस चीज का। इसके जो आंसर है हमारा स्वनिधि मोबाइल ऐप के बारे में, तो ये पीडीएफ अगर आपको लेना है तो आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। वहां पे कुछ क्वेश्चन जैसे हम लोग के जो दिखाता हूँ न्यूज में, ये मैंने सारा मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों को एक बार दिखाने के लिए। तो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारे की आप डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ। चलिए आंसर देखते हैं। स्वनिधि जो मोबाइल ऐप है ये किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर के लिए बनाया गया है, जो कि अब उन्होंने देखा है कोविड-19 के टाइम में जो स्ट्रीट वेंडर, कई सारे लोगों ने जॉब खो दी गई थी और उसी के संदर्भ में ये लेके आए हैं। इसके बारे में न्यूज आगे आने वाले स्लाइड में देखने को मिलेगा। आंसर पूछा गया करेक्ट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ये क्या है। हमारे प्रधान एप्लीकेशन ऑफ पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मकसद यही है, एम यही है कि ये प्रोवाइड करेगा यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस किसके लिए? जो हमारे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हैं एंड देयर फील्ड फंक्शनिंग फॉर सोर्स ऑफ प्रोसेसिंग लोन एप्लीकेशन। ये जो भी लोन एप्लीकेशन आती है स्ट्रीट वेंडर के लिए उस स्कीम के अंतर्गत। अब हम लोग पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप के बारे में देख लेते हैं, ये क्या करेगा। स्टेप टुवर्ड बूस्टिंग द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो इनेबल करेंगे फंक्शनलिटीज लाइक एलआईज, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है बीसीज, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस सो ऑन। और इसमें जो वेंडर है दे कैन अवेलेबल वर्किंग कैपिटल लोन, उनको कैपिटल कब तक कितना तक का मिल जाएगा? 10,000 एंड द अमाउंट रिपेमेंट इज मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में बात की। इस मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया गया है। ये इसका टारगेट यही है कि जितने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं जो कि 24 मार्च से पहले उनकी वेंडिंग थी, मतलब करते थे अपना सामान वामान लगा के, उन लोगों को टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कमीशन, नेशनल मिशन ऑन बोवीन प्रोडक्टिविटी। पहला जो है वो पशु संजीवनी, पशु संजीवनी की है क्या? इट इज द ई ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल, ये ई ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल है फॉर लिंकिंग फार्मर एंड ब्रीडर ऑफ इंडिजिनस ब्रीड। ई पशु हाट पोर्टल के बारे में, इट इज द वेलनेस प्रोग्राम अंडर विच ऑफ ईच मिल्स एनिमल आर आइडेंटिफाई यूनियन यूआईडी
और इसको लॉन्च किया गया है 2017 टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी मेकिंग डेयरी मोर रेमोनरेटिव फॉर फार्मर्स। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता तो आप हिंदी में भी उसको देख लीजिएगा। पशु संजीवनी यह किसानों और देसी नस्ल के प्रयोजकों, आप थोड़ा उसमें देख लीजिए, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बोलने में। क्या आंसर होगा? जल्द से जल्द आंसर आप बताइए। अरे चले कोई नहीं परमजीत जी, आपने वो चैनल सब्सक्राइब किया है? चलिए आंसर बताना। हम लोग को आंसर इसमें पूछा गया है, इनकरेक्ट कोड पूछे गए हैं। कौन से इनकरेक्ट कोड हैं? अगर नेशनल मिशन ऑन बोवीन प्रोडक्टिविटी की अगर आपने देखा होगा, एक तो ई पशु हाट, नॉर्मली यहाँ से कॉमन सेंस अगर लगा के हम लोग कर सकते हैं, जो ई पशु हाट है वो ई ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल है जो लिंकेज करेगा फार्मर एंड ब्रीडर ऑफ इंडिजिनस ब्रीड। तो पशु संजीवनी के बारे में ये है कि उनके अगर देखो वेलनेस, पशु संजीवनी का मतलब क्या होता है, जो हम लोग दवा देते हैं, वेलनेस प्रोग्राम है जो कि क्या करेगा, इसके अंतर्गत जितने भी मिल्क एनिमल उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा यूआईडी के द्वारा, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि एज हुआ, क्या उसको क्या वैक्सीन दी गई है, क्या नहीं दी गई, हर एक इंफॉर्मेशन रहेगी। आने वाले स्लाइड्स में आपको पूरा नेशनल मिशन ऑन बोविन प्रोडक्टिविटी बताता हूँ। इनकरेक्ट कोड पूछा गया था, इसको लॉन्च किया गया है 2016 में। आंसर सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। नेशनल मिशन ऑन बोविन प्रोडक्टिविटी एनहांस करना है हम लोग को मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, और क्या करना है, मेकिंग डेयरी, जो डेयरी है उसको मोर रिमुनरेटिव बनाना है अपने किसानों के लिए। थोड़े सेलियंट फीचर्स देख लेते हैं इसके, क्या है सेलियंट है। 2010 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, यही मकसद मकसद था कि हम लोग का जो मिल्क प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी है एंड मेकिंग डेयरी मोर रिमुनरेटिव फॉर फार्मर्स, इसको इम्प्लीमेंट, दिस इज बींग इम्प्लीमेंटेड थ्रू फोर कंपोनेंट्स को, चार कंपोनेंट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया, जो हमारा पशु संजीवनी, एडवांस प्रोडक्टिविटी, ई पशु हार्ट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बोविन जीनोमिक सेंटर फॉर इंडिजिनस ब्रीड। अब आप देख सकते हैं पशु संजीवनी का क्या है, कि वेलनेस प्रोग्राम है, इसके अंदर अंतर्गत उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा यूआईडी के थ्रू, और गिविंग अ हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं नकुल स्वास्थ्य पात्र, इसके अंदर उसकी सारी की इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे एज हुआ, डिटेल ऑफ वैक्सीनेशन, कौन सी वैक्सीनेशन दिए गए, अमंग अदर डिटेल्स, इसको अपलोड किया जाएगा ऑन INAPH डेटाबेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी ऑलरेडी मैंने न्यू वो जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ आज आप सभी से कल 8 o'clock, 8 AM इन द मॉर्निंग और 9:30 AM कल हम लोग मिलेंगे। स्पेशल क्लास में चलिए जल्द से जल्द आंसर दीजिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो हमारे ब्रुसेलोसिस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो कॉज्ड की होता है किसके द्वारा, ब्रुसेला स्पीसीज के द्वारा किया जाता है। पहला स्टेटमेंट पूरा सही है, दूसरा जो है ग्लैंडर्स, ये कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम क्या है, वर्कोप्रोनेरिया लेरिया मेली, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आप ये देख सकते हैं जो मैंने गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाई है उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है,
हमारा डेयरी वेंचर कैपिटल फंड DVCF स्कीम से रिलेटेड हैव बीन मॉडिफाइड एंड रिनेम एज डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम DEDS जो स्कीम है 2015, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा नाबार्ड के द्वारा, जो नोडल एजेंसी होगी। ये स्कीम जो होगी ये ओपन है ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। आपको आंसर बताना है क्या आंसर सही होगा। दीज आर द ऑप्शंस। क्या बात है, अब आज आंसर नहीं आ रहे हैं। आंसर किया करिए, आंसर कुछ भी हो, आंसर कुछ देखा जाए। अगर जो डीवी की बात करेंगे हम लोग, तो इसको 2015 नहीं है, ये 2010 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये ध्यान में रखनी होगी एग्जाम के लिए। ये स्कीम है, ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ओपन है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है, हमारा पहला और दूसरा गलत था। और पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, हेंस द आंसर इज ए। इसके बारे में देख लेते हैं, DEDS स्कीम के बारे में क्या है। डेयरी एंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम डीड, इसका काम यही होगा, ये प्रमोट करेंगे सेटिंग अप मॉडर्न डेयरी फार्म, फार्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क। और ये क्या करेंगे, जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनको लेके आएंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कि सो दैट इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क कैन बी टेकिंग अप एट द विलेज लेवल इटसेल्फ। तो मतलब जो हमारा इनिशियल प्रोसेस ऑफ जो हम लोग मिल्क निकालने का पहला ही जो स्टेप वहाँ पे विलेज लेवल पे ही लिया जाए, अपग्रेड करना है क्वालिटी एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो हैंडल कर सके मिल्क ऑन कॉमर्शियल स्केल्स पे, जनरेट करना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और प्रोवाइड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली कहाँ पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। थोड़े सेलियंट फीचर्स देख लेते हैं इस चीज के, क्या सेलियंट फीचर्स हैं। आप जो लोग अभी आए हुए हैं, आप अगर करंट अफेयर्स देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। डेयरी वेंचर कैपिटल फंड जो स्कीम है ये मॉडिफाई किया गया है एंड रीनेम्ड एट डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट DEDS इन 2010 में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो इम्प्लीमेंट किया गया है नाबार्ड के द्वारा एज ए नोडल एजेंसी। ये जो स्कीम है ये ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ओपन है। तो आप जो सेलियंट फीचर्स होते हैं इनको थोड़ा देख लिया करें, किसके द्वारा वो इम्प्लीमेंट कराया जाए, सेंट्रल सेक्टर है, कब इसको आया बना हुआ था, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग बाकी टीचरों का भी देखते होंगे तो क्वेश्चंस तो आपके बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए मिशन फ्रिंगलिंग के बारे में बताते हैं। मिशन फ्रिंगलिंग क्या है, हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन के अंडर का एक मिशन फ्रिंगलिंग को लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट हमारा इट टारगेट एनहेंसिंग फिशरीज प्रोडक्शन, जो कि कहा 10.79 MMT 2014-15 से 15 MMT करना है 2020-21 तक। ये स्कीम है, ये फैसिलिटेट करेगी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैचरीज फिंगरलिंग रियरिंग पॉन्ड, जो एंश्योर करेंगे सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिक्स फिंगरिंग पोस्ट लार्वे ऑफ श्रिम्प्स एंड क्रैब इन दी कंट्री। आपको इनमें से आंसर बताना है कौन सा आंसर सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अभी, दोनों के दोनों आंसर हमारे सही हैं इसमें। अब वैसे रिक्वेस्ट है आप पार्टिसिपेट करिए आंसर में, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर आप जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था सेकंड मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, उसके अंतर्गत मैंने ब्लू रेवोल्यूशन के ऊपर एक टॉपिक था, उसमें इसके अंतर्गत हमारा मिसिंग फ्रिंगलिंग एक पार्ट है, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में इसको बताया गया है। तो आंसर हमारा है सी।
नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम। क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम के पर ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी लॉन्च द क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम इन जुलाई 2018। इन एडिशन वन ईच ऑफ स्टेट सेंट्रल लेबोरेटरी फॉर 18 स्टेट्स हैव बीन अप्रूव्ड। और जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ओनली 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स डेयरी एक्सपोर्ट मार्केट। दीज आर दी ऑप्शंस, आपके सामने ऑप्शंस रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्द बताइए क्या आंसर रहा होगा। अगर आंसर की बात करें, ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 में, 2019 में। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, 0.01% ही एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड डेयरी प्रोडक्ट। आंसर पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम के बारे में देखें, क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम है क्या, ये टू अचीव ग्लोबल कोडेक्स स्टैंडर्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ मिल्क एंड एंश्योरिंग। हम लोग को वही है कि अपना जो मिल्क शेयर और मिल्क जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है इन दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट। अगर आप बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ओनली 0.1% ऑफ दी वर्ल्ड डेयरी एक्सपोर्ट मार्केट। ये इनेबल करेंगे जितने भी कोऑपरेटिव डेयरी प्लांट हैं वो सप्लाई कर सके क्वालिटी मिल्क टेस्ट ऑन ऑल माइक्रोबायोलॉजिकल केमिकल पैरामीटर टू देयर कंज्यूमर। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी लॉन्च्ड क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम जुलाई 2019 में, 2018 में नहीं था। पहला फेज में अगर बात करें इस प्रोग्राम को जो 19-20 में लॉन्च किया है, उसने कितने अप्रूव कर दिए हैं, 231 डेयरी प्लांट अप्रूव कर दिए गए हैं एनपीडीसी के अंदर, जो एनपीडीडी स्कीम है उसके अंतर्गत। और ये डिटेक्ट करेंगे अल्टरेशन इन मिल्क, जैसे यूरिया हुआ और माल्टोडेक्सट्रिन, अमोनिया सल्फेट, डिटर्जेंट एंड सो ऑन। द कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज, आप इसको कौन से मतलब क्या इंडेक्स किसके द्वारा निकाला गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जल्द से जल्द इसमें बताइए क्या आंसर होगा। चल, मैं इसका पूरा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारा है। तो इससे जो इंडेक्स है ये रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ये आप पे याद रखिए, इससे को रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। थोड़ा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम लोग पूरी इससे रिलेटेड न्यूज देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। सेकेंड क्वेश्चन इसी का, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन सॉरी पॉइंट दिए गए हैं, जो दिल्ली है दिल्ली को असेस्ड किया गया है ऑन द इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर। इस साल पहली बार दिल्ली को असेस्ड किया गया है। और बात किया जाए, नन ऑफ द टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है इंडिया के टॉप 10 एक्सेप्ट गुजरात एंड मध्य प्रदेश स्कोर्ड मोर देन 60 पॉइंट इन कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। आपको आंसर बताना है क्या आंसर है इसका। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मुझे कल
जो लोग अभी आए हुए हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं 8 AM और 5 PM मंडे टू फ्राइडे, जब मैं पॉलिटी लेता हूं और 8 AM करंट अफेयर्स लेता हूं। कहां पे? वाईफाई स्टडी स्टेट PCS चैनल पे। PSC चैनल, यहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 8 AM। इसका आंसर देखें, आंसर पूछा गया है इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर इज डी। आप थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के लिए बात कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है क्या? कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 सेकेंड एडिशन, इसको रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा, जो कि मेजर करेगा परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट, स्टेट्स का क्या परफॉर्मेंस है ऑन सेट ऑफ वाटर इंडिकेटर, वाटर इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि हम लोगों को ये देखने को मिला है कि इंडिया शॉर्टेज कर रहा, मतलब फेस कर रहा है शॉर्टेज इन द ग्राउंड वाटर। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिली है वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो अभी भी नीचे ही है। विच इज रिक्वायर्ड एडिक्वेट, जो ज्यादातर रिक्वायर करता है कि हम लोग कैसे इंडियाज उसको, उस टैकल को, जो भी चैलेंजेस आए हुए हैं वाटर से रिलेटेड उसको कैसे टैकल कर सकता है। विनीत चौधरी जी, ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक एज अ ये लेके आया हूँ कि मेरी क्लास वहां पे भी होती है वाईफाई स्टडी स्टेट PCS चैनल में। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर्स जो मेरे होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में रहते हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये पूरा इंग्लिश में है, तो अगर आप मेरी करंट अफेयर्स के देखेंगे इस मंथ के, वो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रखे गए हैं, आपको वहां से प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तो मैं सिर्फ यही बताने आया हूँ कि मेरी क्लास वहां पे होती है जो मेन चैनल हम लोगों का है, आपको वहां हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। और रहा हमारा स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास में भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश में ही रहती है। चलिए ठीक है विनीत जी, तो इसमें ये बोला गया है कि स्टेट को इम्प्रूव करना चाहिए जो भी वाटर मैनेजमेंट है। मैं यहाँ पे तो मुझे सैटरडे एंड संडे ही अलॉट किया गया है कि सैटरडे एंड संडे मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्लास रख सकता हूँ। मेरी अगर डेली क्लासेस आपको देखना है तो वो वहां पे ही मिलती हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट सैटरडे और संडे जब भी आऊं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लेके आऊंगा। यही इसमें इम्प्रूव किया गया है, जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है हमारे देश में कैन प्रोवाइड सिटीजन इट्स सिटीजन बेटर क्वालिटी, हमारे देश के जो नागरिक है उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, सपोर्ट हो सके इकोनॉमिक ग्रोथ में, और सस्टेन कर सकते हम लोग अपना इकोसिस्टम को। अगर लो परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, नागालैंड एंड मेघालय, ये लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में आते हैं, जिसमें कलेक्टिवली अकाउंट फॉर 48%, मतलब 48% इनकी जो जनसंख्या है, मतलब ये हम लोग 48% जनसंख्या इन राज्यों में है, जो कि 40% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है यूज करती है, एंड 35% जो 35% है वो इकोनॉमिक आउटपुट है इंडिया का। कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स से जो मेजर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ऑन द सेट ऑफ वाटर इंडिकेटर एंड 9 थीम्स, जो 9 थीम्स हैं आप ये देख लीजिएगा कौन कौन सी 9 थीम्स पे बात किया गया है। और गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, ये कंटिन्यू टू डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये 4 जो राज्य हैं इन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग देखें जो 14 लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं From the year 2015-16, only Haryana, Goa and Telangana
हैव बीन एबल टू क्रॉस 50 पॉइंट थ्रेशोल्ड। दिल्ली को पहली बार इस टाइम असेस्ड किया गया है, इस इंडेक्स में रखा गया है। और नन ऑफ द टॉप टेन एग्री जितने भी टॉप टेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स थे इंडिया में एक्सेप्ट गुजरात मध्य प्रदेश, वो स्कोर किए हैं सिक्स, मतलब उन्होंने स्कोर नहीं किया है मोर देन 60 पॉइंट ऑन सी डब्ल्यू एम आई। तो गवर्नमेंट इसी चीज में काम कर रहा है कि वो क्या सॉल्यूशन लेके आए कि जो वाटर अवेलेबल हो सके इंडस्ट्रीज को, और वाटर ऑन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, हम लोग कैसे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। CSIR एंड CMERI साइंटिस्ट सेट अप वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री इन विच स्टेट्स। चलिए आंसर देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल इसका आंसर है, वेस्ट बंगाल में सेटअप किया गया है। थोड़ा न्यूज़ पे जाते हैं, ये देखिए सोलर ट्री। इस सोलर ट्री इज अ मेटल स्ट्रक्चर रिसेम्बल्ड अ ट्री दैट हैज अ सोलर पैनल फिटेड ऑन द ब्रांचेस। सोलर पैनल को ब्रांचेस में फिट किया गया है। जो सोलर पैनल है वो कनेक्टेड है मेटल ब्रांचेस के जो प्रोड्यूस करते हैं सोलर पावर। जो हमारे CMERI है, CMERI का मतलब क्या है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने क्या किया, सोलर ट्री हैज 35 पैनल एंड ईच विद कैपेसिटी, कितना 330 वॉट की कैपेसिटी बात किया गया। बंगाल में इसको एस्टैब्लिश किया गया है वेस्ट बंगाल, और लार्जेस्ट है ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। अगर बात किया जाए तो जो पहले था वो लंदन का था जो प्रोड्यूस कर रहा था 8.6 किलोवाट, लेकिन अब जो इंडिया का है वो कितना करेगा 11.5 किलोवाट। थोड़ी और इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोड्यूसिंग 12,000 to 40,000 यूनिट ऑफ क्लीन, ये क्या करेगा कि 12,000 से 14,000 तक यूनिट प्रोड्यूस करेगा क्लीन एंड ग्रीन पावर की इन अ ईयर, एक साल में। द सोलर ट्री हैज अ सोलर की पोटेंशियल है, ये सेव कर सकता है 10 से 12 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज की जाती है इनटू एटमॉस्फेयर एवरी ईयर, ऐसा वो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है। वन ऑफ द मेन हर्डल्स अगर हम लोग देखने को देखा जाए तो इस चीज में क्या है कि सेटिंग अप अ सोलर पैनल्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम लोग एक लार्ज स्केल्स पे सोलर पैनल को सेटअप कर सकें जो प्रोड्यूस करेंगे लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो हमारा इंक्लिनेशन ऑफ ट्री आर्म, जो हमारे ट्री ब्रांचेस हैं जो होल्ड करते हैं पैनल्स, कैन बी एडजस्ट, उनको एडजस्ट किया जा सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। और सोलर ट्री की अगर बात करें, बिकॉज ऑफ दैट डिजाइन यूज लेस स्पेस एंड हेंस कैन प्रोड्यूस मोर पावर यूनिट एरिया। बट ऑन द मेजर हर्डल्स ऑफ सोलर ट्री इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें काफी ज्यादा डबल पड़ जाता है। अगर हम लोग रूफ टॉप की बारे में बात करें, रूफ टॉप का ये डबल है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डबल होगा एज कम्पेयर टू द सोलर रूफ टॉप पैनल्स। तो ये पूरा उसके बारे में न्यूज रही हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको उस करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं। हेलो कुणाल, पहला जो स्टेटमेंट है वो मिशन काकतिया है। इसका मतलब ये क्या मिशन का कहते हैं, या प्रोजेक्ट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है जो एम करता है 5,000 विलेजेस को फ्री करना है वाटर स्केयरसिटी एवरी ईयर हर साल। जलयुक्त शिविर क्या है, लॉन्च्ड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट, इसको तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो क्या एम करेगा, डेवलप द माइनर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और स्ट्रेंथन करेगा कम्युनिटी बेस्ड इरिगेशन मैनेजमेंट। थर्ड मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसको लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। हम लोग जो
इम्प्लीमेंटेशन होता है वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग का रूरल एरिया में उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे। दीज आर द कोट्स, आपको आंसर बताना है आंसर क्या होगा। क्या बात है, अब लोगों का आंसर आना बंद हो गया, क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या आप लोगों को? शुरू में तो काफी लोगों ने आंसर किया, उसके बाद स्लो डाउन हो गया। कुणाल क्वेश्चन अच्छे नहीं है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। मिशन काकतीया जो है, जिसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना के गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम लोग देखेंगे 1 का 2 है 2 का 3। करेक्ट आंसर इज 3 ओनली। जो मुख्यमंत्री जल सुलभ अभियान है, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि जो हम लोग वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग रूरल एरिया में इस पे प्रॉपर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और ये स्वैप हो गए हैं, मिशन काकतीया तेलंगाना गवर्नमेंट का है, जलयुक्त शिविर जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। क्वेश्चन 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीजल वाटरशेड प्रोग्राम। हो सकता है कि मैं भी नया हूं इसी चैनल पे और कई लोग तो क्वेश्चंस देख के ही नहीं आते होंगे, या मे भी शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता हो पढ़ाने का तरीका। चलिए जो भी है, लोग क्या करते हैं, आप ही लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर किया करिए, अगर ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने ग्रुप में बताइए लोगों को। थोड़ा नीरांचल वाटर सेट प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। हाँ जी विनीत जी, आपका आंसर राइट था पहला वाला, इसका आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर हम लोग देख लेते हैं। नीरांचल वाटर सेट जो है ये आईएमएफ का नहीं है, किसका है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक असिस्ट करेगा किसको? नेशनल वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को। और जो नीरांचल है, इसको डिजाइन किया गया है कि फर्दर स्ट्रेंथनिंग और प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू दी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आंसर इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? पहला 1 इज द इनकरेक्ट आंसर। सौरभ जी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए वाटरसाइड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, आप लोग उससे पढ़ा हुआ था थोड़ा, उसके देख लेते हैं। ये प्रधानमंत्री ने कृषि सिंचाई योजना वाटरसाइड डेवलपमेंट कंपोनेंट WDC PMKSY लॉन्च किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, कि ये रिस्टोर करेगा जितने भी इकोलॉजिकल बैलेंस देखने को मिल रहा है बाई हार्नेसिंग, कंजर्विंग एंड डेवलपिंग डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जो भी डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको, जैसे सॉइल हुआ, वेजिटेटिव कवर। नीरांचल वाटरसेट प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, इसको असिस्ट करेगा वर्ल्ड बैंक। इसको ऐसे बनाया गया है कि ये फर्दर स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं और प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट दे सकते हैं हमारे जो वाटरसेट कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इन पर्टिकुलर। अच्छा, अभी कई लोगों को इसी में प्रॉब्लम हो रही है जो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, देखिए आप लोगों को पहले मैं बता चुका है, यहाँ पे मैं जो टेम्परेरी हूँ, जो मेन चैनल है हमारा वाईफाई स्टडी स्टेट PCS चैनल है, वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। आप PDF जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा होने की वजह से PDF काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैंने उसको सिर्फ इंग्लिश में ही रखा गया है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखना है तो आप वहाँ पे
मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे पिन किया जा रहा है बार बार वाईफाई स्टडी के द्वारा, आप उस चैनल पे एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा, शायद वो मेरा ही हम लोगों का ही चैनल हो जिस पे मैं क्लास लेता हूँ। तो इसके थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। स्टेट स्पेसिफिक लीड इन वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो हम लोगों ने उससे नीरांचल से पहले नीरांचल वाटर सेट प्रोग्राम से पहले जो देखा था, मिशन काकतीया क्या था, जलयुक्त शिविर क्या था और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या था। जलयुक्त शिविर जो है महाराष्ट्र सरकार का है, उनका मकसद यही है कि 5000 जो गांव हैं उनको फ्री करना है, जो भी वाटर स्कैर्सिटी मतलब जैसे वाटर की कमी देखने को मिलती है, हर साल में 5000 गांवों को फ्री करना है। मिशन काकतीया का काम यही था कि इसको तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया है, जो एम करेंगे डेवलप, मतलब उनका एम यही है कि डेवलप करना है जो माइनर इरिगेशन की जो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें होती हैं। यहाँ पे क्लास ऑलरेडी ऑफ होने ही वाली है, थोड़े दो तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं। नेक्स्ट, हु टेक अ कॉल ऑन सेंट्रल सिक्योरिटी कवर टू प्राइवेट इंडिविजुअल इन इंडिया, क्या आंसर रहेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारा इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये न्यूज में क्यों रहा इसके बारे में आप न्यूज वगैरह देखी होगी तो बता पाएंगे। इसका मेन मकसद यही, अगर आप ये देखिए, कंगना रनौत को वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी गई है, किसके द्वारा? होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये इंडिविजुअल आर गिवन सच, जो हर एक इंडिविजुअल उनको कुछ ऐसी सिक्योरिटी दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि कोई थ्रेट तो नहीं किया जाएगा, डन बाय द सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी एंड इज सब्जेक्ट टू पीरियडिक रिव्यू। और अगर उसकी बात करते हैं कौन कौन सी जो कैटेगरीज में, इसको 4 टीयर में डिवाइड कर दिया गया है, जेड प्लस, जेड, वाई एंड एक्स। इनकी सारी की सारी डिटेल आप यहां पे देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन 20, बस 5 क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन के लिए थोड़ा और वेट कर लीजिए, जल्द से जल्द मैं चलिए। आंसर गलत हो गया तभी तो आप रुके हुए हैं, आंसर सही होता तो आप उसको फिर ज्यादा देखते भी नहीं। सबका यही वो रहता है कि अगर आंसर गलत है तो उसको देखा जाता है, आंसर सही है तो पता हो, ये बोलते हैं चलो ये तो मुझे पता था, आना ही था, आंसर यही होगा। मैं भी यही करता हूं तो उम्मीद है 9 लोग यही करते हैं। अरे नहीं, अब कुणाल जी मैं ग्रेट नहीं हूं, ग्रेट तो आप लोग, अगर आप लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैं किसके लिए मतलब लेके आऊंगा क्वेश्चन? दीज आर द ऑप्शंस, पहला 1, 3, 1, 2, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो ईनेम है वो पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ई ट्रेडिंग पोर्टल है, जो सीक करता है टू नेटवर्क द एग्जिस्टिंग फिजिकल रेगुलेटेड मार्केट। आप उसको हिंदी में भी देखते जाइए, जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर आप इंग्लिश में ही बोलते हैं, आप मैं क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में भी दिए गए हैं, आप हिंदी में भी देख लीजिए। और सेकेंड स्टेटमेंट, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो एम करता है जितने भी एम एट रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, जो ब्रिजिंग इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है उसको, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को ब्रिज किया जाएगा और हेल्प करेगा इन एक्सपेंडिंग द मार्केट अक्रॉस द फार्मर। शिवानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जहां पे नहीं आता, लेकिन अगली बार से मैं हिंदी एकदम क्लियर करूंगा।
अभी मैं तो ये दूसरी क्लास हुई है, तो आप समझ ही सकते हैं कि देखो जब तक उस पे रिव्यूज नहीं मिले आप लोगों के, तो इम्प्रूव नहीं किया जा सकता उस चीज में। आप लोग, कई लोगों ने बोला हिंदी में बोलो, चलो अगली बार से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी लेके आऊंगा। आपने बोला ये हिंदी वाला सही से नहीं दिख रहा, तो नेक्स्ट टाइम जो मैं हिंदी का करूंगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। पूछा गया था ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट हमारा पहला और दूसरा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या है, इट डज नॉट अलाउ। यहाँ पे इट डज अलाउ, ये नॉट नहीं है, डज मतलब वहां पे अब क्या है, जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, अब जो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, उनकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी कहीं पे भी जहां पे उन्हें अच्छा रेट मिल रहा है वहां पे बेच सकेंगे, जिस राज्य में उनको अच्छा रेट मिल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ पीआईओ कार्ड होल्डर। पीआईओ कार्ड होल्डर के बेनिफिट्स, एक चीज आपको बता देता हूं कि पीआईओ और ओसीआईओ तो आपको पता है मर्ज हो गए हैं, तो जो ओसीआई के बेनिफिट्स हैं वो पीआईओ के बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कंसीडर बिल्कुल एज जो हम लोग को पीआईओ का बात किया गया था, पीआईओ के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को बनाया हुआ है, तो आप पीआईओ के हिसाब से ही आंसर दीजिएगा। आंसर पूछा गया था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पीआईओ इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे मल्टीपल एंटिटी एंट्रीज टू इंडिया टू विजिट इंडिया फॉर लाइफ लॉन्ग फॉर मल्टी पर्पज, नहीं, ये जो बेनिफिट है ये किसका है, ओसीआई का है। अब अगेन मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये मत बोलिएगा ओसीआई और पीआईओ मर्ज हो गए हैं, तो आंसर हमारा यही, मैंने पीआईओ के हिसाब से क्वेश्चन लिया हुआ है, तो ये हम लोग देखेंगे ओसीआई का है पीआईओ के नहीं है। एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको आंसर सही करेक्ट कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू रजिस्टर विद, आपको रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा FRRO में। अगर आप देखेंगे, कोई पूछ रहा था, लेट मी सी हर नेम, शिवानी राजपूत, आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कुछ देखते नहीं, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाते हैं जो काफी बड़े हैं वहां प्रॉब्लम है, यहाँ पे पूरा देखने को मिल रहा है। 180 दिनों के निरंतर प्रवास के बाद भी आपको FRRO या स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, ये अगर देखेंगे तो ओसीआई के लिए है। और यू कैन वर्क स्टडी इन इंडिया विदाउट एनी स्पेशल परमिट, ये हर एक के लिए, अगर वो NRI हो या फिर PIO हो या ओसीआई हो, हर एक के लिए ये एप्लीकेबल है। हमारा थ्री स्टेटमेंट सही, पहला दूसरा गलत है। मैंने PIO, OCI और NRI के बारे में समझाया हुआ है, आप पॉलिटी वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, आप पॉलिटी वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां पे ये मैंने पॉलिटी में समझाया हुआ है। PM वाले लेक्चर्स में आप वहां से जाके देख सकते हैं। बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज अगर पीआईओ के बारे में किया जाए तो क्या क्या है, अगर आप ऑलरेडी पीआईओ कार्ड होल्डर हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगेन अब ये सारे के सारे कोई मतलब नहीं रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता होना चाहिए कि जितने भी पीआईओ कार्ड थे वो इज अल्टरनेटिव फॉर अ वीजा टू ट्रैवल इंडिया टू एंड फ्रॉम इंडिया, इट परमिट मल्टीपल एंट्रीज फॉर मल्टीपल पर्पज, आप वर्क कर सकते हैं इंडिया में विदाउट एनी स्पेशल वीजा के लिए, स्पेशल कंट्रीज फास्ट इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलेगा, और 180 दिन के बाद आप 180 दिन तक रह सकते हैं वहां पे, कोई भी FRRO में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, और फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बेनिफिट आपको मिलता है एट पार विद NRI। डिसएडवांटेज यही है कि जो पीआईओ कार्ड होल्डर है ओनली वैलिड फॉर 15 साल के लिए वैलिड है, अगर आपका एक्सपायर्ड हो जाता है 30/9/2015 देन यू मस्ट अप्लाई फॉर ओसीआई कार्ड, ये वहां पे मैंने समझाया दिया था। सारा का सारा ये मैंने अपने पॉलिटी जो मैं पढ़ाया है वहां से लिया हुआ है मैंने।
एंड आप गवर्नमेंट जॉब को होल्ड नहीं कर सकते हो, वोट नहीं कर सकते, और अगर 130 180 दिन के अंदर आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा पुलिस अथॉरिटी, लोकल पुलिस अथॉरिटी या FRRO में 30 दिन के अंतर्गत, एंड सो ऑन। आप एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं ले सकते हैं। अगर कोई भी रिसर्च करना है इंडिया के ऊपर तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा इंडियन मिशन या FRRO या फिर और किसी से। बेनिफिट्स जो थे वो OCI के थे, OCI के बेनिफिट्स थे, आपको मैंने वहां पे दिखा दिया है, वहां पे बिल्कुल सेम लिया है। और डिसएडवांटेज की बात करें, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते, गवर्नमेंट जॉब होल्ड नहीं सकते, वोट नहीं कर सकते हैं, और अगेन रिसर्च करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सारे लिमिटेशन लगा दिए गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 22 हमारा क्या है, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एंजॉयड बाई, किसके द्वारा ये कुछ फंडामेंटल राइट, कुछ मौलिक अधिकारों का आनंद नहीं लिया जाता है। एनिमी एलियंस, फ्रेंडली एलियंस, ऑल एलियंस और नन ऑफ दीज, क्या आंसर है? अगर आंसर देखें हमारा ऑल एलियंस, हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग मूव ऑन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ इन स्टेटमेंट को कंसीडर करो, कैसे क्या है। निधि EIR प्रोग्राम, निधि EIR प्रोग्राम है क्या जिसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। इट हैज लॉन्च अंडर द नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, जो कि नाम दिया गया है निधि प्रोग्राम। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी इज द कंसर्न अथॉरिटी। इसमें पूछा गया इनकरेक्ट कोड पूछा गया है, आप आंसर बताइए क्या इनकरेक्ट कोड है। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग रैप अप करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कल 8 बजे मॉर्निंग में जरूर मिलिएगा मुझे। आंसर हमारा है डी, नन ऑफ दी, इनकरेक्ट पूछा गया था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। निधि EIR प्रोग्राम के बारे हम लोग देख लेते हैं क्या है। आंसर हमारा है डी, डी नन इज, सारे के सारे स्टेटमेंट, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। निधि EIR प्रोग्राम लॉन्च, एक ब्राउचर है जो फीचरिंग करे, जो हमारे एंटरप्रेन्योर है उनको फीचरिंग किया जाए, इसके लिए लॉन्च किया गया। इट हैज लॉन्च कहाँ पे, अंडर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST सेक्रेटरी इसके कंसर्न अथॉरिटी है। ये ब्राउजर जो होगा उसमें सारी की डिटेल रहेगी, व्हाट द EIRs आर वर्किंग ऑन, किस पे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स इन रेसिडेंस हैं वो किस पे काम कर रहे हैं, और कुछ हाइलाइट्स होंगे अबाउट देम। इट आल्सो मेंट टू बी अ डायरेक्टरी, ये क्या करें, जितने भी EIRs से उनके सारे के सारे उनके नंबर्स दिए जाएंगे इसमें। निधि सपोर्ट करेगा जितने भी एक्सपायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं फॉर परस्यूइंग एंड प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस आइडिया ओवर पीरियड ऑफ 18 मंथ, एंड सो इसके लिए कितना पैसा देने की बात किया गया, जो मैक्सिमम कैप रखा गया है, और ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 18 मंथ्स की बात की गई, एंड सो ऑन। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो हमारा पहले फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज टर्म एज क्वेश्चन आवर। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, इट इज मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में ये मेंशन है। हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। चलिए आंसर इसका देखा जाए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि जो हमारा 14 सितंबर मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसमें क्या हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला है कि क्वेश्चंस आवर्स नहीं होंगे।
मतलब क्वेश्चन आवर दो टाइप्स के होते हैं, स्टेयर्ड क्वेश्चंस एंड अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। इस पे मैंने पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है एडिटोरियल बनाया हुआ है, एडिटोरियल आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस आवर्स के ऊपर है। तो स्टेयर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, ओरली ओरली आंसर देना होता था जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा, और इसके ऊपर फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनस्टेयर्ड क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री यहाँ पे रिटन आंसर दिया जाता है, रिटन आंसर दिया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा, यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि स्टेयर्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टेयर्ड क्वेश्चन नहीं होने की बात की गई है। उसी के संज्ञान में ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है क्वेश्चन आवर। चलिए ये हमारा क्वेश्चन आवर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। जो हमारा पहला आवर्स होता है एवरी पार्लियामेंट सिटिंग के, वो उसको अलॉट किया जाता है क्वेश्चन आवर्स के लिए, जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद है वो क्वेश्चन रेज करता है किसी भी एस्पेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से। स्टेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंबर सीक टू, जो मेंबर होते हैं वो ओरल आंसर मांगते हैं किसी भी कंसर्न मिनिस्ट्री से। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेयर एज जो अनस्टेट क्वेश्चन है उसमें रिटन आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं, इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं मांग सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क बाई गिविन अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, इट इज आंसर ओरली। उसके बाद वही है कि जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उनको क्वेश्चंस रिसीव किए जाते हैं 15 दिन एडवांस में, ताकि वो प्रिपेयर कर सकें, करा सके अपने जो मिनिस्टर्स को, कि अगर कोई भी क्वेश्चंस है उठता है तो उसके हिसाब से वो आंसर दे सकें। प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है बोथ द हाउस, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा का, वो फाइनल अथॉरिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर रेगुलेटिव होते हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग एंड सो ऑन। इसको क्वेश्चन आवर्स को ब्रॉडकास्ट किया गया था 1991 में। क्वेश्चन आवर हैज बिकेम मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट विजुअल एस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को लाइक करें, देखिए लाइक और शेयर में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि नहीं लोग देखने आते हैं। और सजेशन ऑलवेज वेलकम आप लोगों का, जो क्योंकि जो वीडियोज आती हैं आप ही लोगों के लिए ही हैं, अगर जैसा आप चाहेंगे उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे वीडियो उसी को, और उसी हिसाब से हम लोग टॉपिक्स को देखेंगे। कल सुबह 8 बजे वाईफाई स्टडी स्टेट पीसीएस चैनल में आप लोगों से मैं मिलूंगा। 9:30 बजे स्पेशल क्लास में गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की होगी, और कुछ अलग मिनिस्ट्रीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल के बारे में है एक दो मिनिस्ट्री, क्योंकि आयुष मिनिस्ट्रीज की ज्यादा स्कीम्स नहीं आई हुई हैं, तो हम लोग को कवर जल्द से जल्द करना है 1 महीने के अंदर अंदर। और फिर हम लोग कल शाम को 5 बजे अगेन यूट्यूब चैनल पे देखेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, वो भी लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमेटी न्यूज में रहा हुआ है, उस न्यूज का पूरा आधार लेके हम लोग चलेंगे, उस पे आंसर देखेंगे क्या बन सकता है क्वेश्चन मेंस में और प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।